ये को रेलवे ट्रैक हो ये चलते रहो ये है। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं अपने वर्ल्ड में और ये रहा हमारा नया दोस्त। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, इधर मैं लिंक डाल दूंगा। तो पिछले एपिसोड में हम लोग गए थे एंशिएंट सिटी में ताकि हम जाके कुछ बढ़िया बढ़िया सी लूट ले सकें, बट अनफॉर्चुनेटली हम पावरफुल नहीं थे तो उसकी वजह से वार्डन ने हमें 2-3 बार मार दिया। तो आज का जो मेन एपिसोड है जो उसको है, हमें पावरफुल बनना है। देख रहे हो मेरे पास अभी फिलहाल तो क्या आ गया, हाँ ये रहा देखो, मेरे पास अभी अपना आयरन का आर्मर है। तो क्योंकि मेरे पास आयरन बहुत सारा है तो मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बना दिया, बट मैंने थोड़ा ऑफलाइन काम किया और बहुत ही सारा। तो सबसे पहले मैंने दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई एक एन्चेंटमेंट टेबल और यहाँ का जो फार्म था वो मैंने हटा दिया है क्योंकि मेरे को काफ़ी सारा जो है वीट चाहिए था, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे ब्रीड भी तो कराना था। देख रहे हो कितने सारे लोगों की यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन कर दी है। और ये देखो पूरा खेत दोबारा से उग गई, इसको दोबारा से फिर हार्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। और दूसरे के साथ मैंने यहाँ पे बनाया एक छोटा सा अपने लिए एक लेदर फार्म, तो काफ़ी सारा लेदर तो है क्योंकि मैंने मेरे को चाहिए थी चेस्ट। ओ ये देखो, ओ खाना भी तो पका लूंगा चलो, क्योंकि मेरे को चाहिए थी काफी सारी वो इनको गाय को खाना खिलाने के लिए। देखो कितने सारा वीट मैंने यहाँ उगाया था और काफी सारा मेरे को चाहिए था लेदर ताकि मैं बना सकूं अपने लिए अपना एन्चेंटमेंट रूम। और यहाँ पे मैंने 2 बकरियों को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। और आज का जो है मेन टारगेट हमारा इस वीडियो में, हमें बनाना अपना ये क्या कहते हैं आयरन का आर्मर को बनाना है अपने डायमंड के आर्मर में। तो कवर करने के लिए देखो, सबसे पहले मेरे पास अपनी मेरी भी ये पिकैक्स पड़ी है लेकिन ये टूटने वाली है, सिर्फ इसमें कुछ ही लेवल रह गए हैं बस मतलब। तो उसके लिए मुझे चाहिए मेंडिंग। तो मेंडिंग जो है देखो हमें ये बंदा दे रहा है, इस बंदे को मैंने एक बनाया, बस ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे आके इसको यहाँ पे इसका जॉब बॉक्स रखा और ये बंदा देखो हमें क्या दे रहा है, मेंडिंग 20 एमरल्ड में बुक है मेरे पास लेकिन एमरल्ड नहीं है। तो एमरल्ड बनाने के लिए मेरे को जो है इनमें से किसी एक बंदे को एक जॉब और देनी पड़ेगी जो मेरे से लकड़ी खरीद के मेरे को एमरल्ड दे। तो उसके लिए फटाफट से मैं उसका जॉब बॉक्स बनाता हूँ और उसके बाद उस बंदे को हम लकड़ियाँ बेचेंगे। लकड़ियों का भी काम है मैंने कर रखा है यहाँ पे, देखो ये देख रहे हो सब चेस्ट में यहाँ पे, ज़्यादा नहीं मैंने सोचा इतना लकड़ियाँ बहुत होंगी मेरे लिए तो मैंने इतनी लकड़ी यहाँ पे काट के रखी हुई है। साथ के साथ मैंने उन पेड़ को दोबारा उगा दिया, वहाँ पे देखो फिर से उग गए, फिर से इनको काटना पड़ेगा ताकि मेरे को और लकड़ियाँ मिल सके। और उसके बाद अपने लिए बनाएंगे एक एक्सपी फार्म क्योंकि मेरे को इसको रिपेयर भी तो करना है। एक्सपी मैं और कहाँ से लाऊंगा, ये तो मेरी एक्सपी जो है 32 जैसे तैसे करके मैंने बढ़ाई है, ये तो खत्म हो जाएंगी इसमें जैसे मैं एन्चेंटमेंट करूंगा। लेवल 30 की फॉर्चून 2 दे रहा है, ओके तो चेक करूँ क्या कहाँ गया मेरा। और मेरे पास देखो अब एक ही डायमंड बचा है। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे डालते हैं इसको फॉर्चून 2 फॉर्चून इफेक्टिव और यहाँ पे फॉर्चून 2 और क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ फॉर्चून 2 ना लेके किसी और पे कुछ एन्चेंटमेंट करूँ ताकि दूसरी एन्चेंटमेंट मुझे ये दे, बट उससे पहले मुझे चाहिए मेंडिंग। तो इस बंदे को मेरे को ना एक जॉब बॉक्स और देने, किसी एक बंदे को देता हूँ जॉब ताकि वो मेरे को लकड़ियाँ बेच के मेरे से काफ़ी सारे एमलेट दे। तो मेरे को लकड़ियाँ चाहिए और मुझे चाहिए एक क्राफ्टिंग टेबल। आओ भाई आओ। तो ऑलराइट गाइस, मैंने इसका जॉब बॉक्स रख दिया, तो किस देखते हैं किस बंदे ने यहाँ से अपनी एक नई जॉब खरीदी है। आओ कौन है, कौन है वो लौंडा, ये है लौंडा 32 में 1 एमरल्ड। अरे यार चल ले ले। तो हम बनाते हैं फटाफट से गाइस, यहाँ पे काफी सारी लकड़ियाँ, एक में यहाँ डाल देता हूँ और एक में यहाँ डाल देता हूँ। ओके जितनी स्टिक बन रही हैं सारी बना लेते हैं। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं हाफ हाफ करके। लो भाई मुझे कितनी एमरल्ड चाहिए, कहाँ गया वो, अरे कहाँ गया लाइब्रेरियन, इधर लाइब्रेरियन मेरे दोस्त बता दे 20 एमरल्ड चाहिए। ओके तो गाइस मैं फटाफट से इस बंदे से 20 एमरल्ड खरीदता हूँ। इधर आ भाई लौंडे, हाँ अरे यार मुझे तो बहुत लकड़ियाँ चाहिए उसकी मतलब, तो फिर हाँ बस खत्म हो गई लकड़ियाँ मेरी पे, देख रहे हो कितनी एमरल्ड में 12 एमरल्ड में सारी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, इसको यहाँ मैं देता हूँ, यहाँ पे और लकड़ी आ गई। इधर आ भाई, ओके तो अब वो भी दे रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए हाँ ये ओ खत्म, रुक जाओ कितनी हो गई 15 हो गई, तो मुझे चाहिए 20, 5 और एमलेट चाहिए। तो यहाँ पे लकड़ियाँ तो है मेरे पास बहुत सारी, टेंशन नहीं है इतने सारी, इतना देर इतना मेहनत थोड़ी करी मैंने इसे ऐसी की तू भाग जाए। इधर आ भाई लौंडे, इधर आ, ओ सॉरी लकड़ी तो बनाने दे। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे मुझे चाहिए काफी सारी लकड़ियाँ और इधर आ भाई, ये यहाँ पे रख दो और इसको यहाँ रख दो। ये कहाँ गया लौंडा, हाँ इधर ले। यार ट्रेड बंद कर दी तूने तो, और किस में दे रहा है ये, क्या चीज है, फ्लिंट मेरे पास पड़ा होगा शायद, देख के आता हूँ घर पे, अगर मेरे पास फ्लिंट होगा तो मैं थोड़ी सी इसको फ्लिंट भी बेचूंगा, पहले तो यहाँ ही देखता हूँ।
वो सारा कूड़ा रखा मैंने यहाँ पे भी। ओ 11 फ्लिंट है मेरे पास। और तो अभी तो गाइस मुझे सिर्फ 11 फ्लिंट मिले, देखते हैं यहाँ भी पड़ा है कुछ। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। ऑलराइट गाइस अभी मेरे पास वो कोई फ्लिंट विंट नहीं है, स्टिक भी नहीं है। थोड़ी देर इसने ट्रेड बंद कर दी, कोई बात नहीं, देखते हैं ट्रेड चालू करी। और ये लाइट फिर से ड्रामा करने लग गई, क्या हो गया इसे, अभी कबार तेज हो जाती है। आजा भाई लौंडे, ट्रेड ओपन कर दी। ओ फाइनली इसने ओपन कर दी। ओहो हाँ हाँ ले। अरे मुझे 20 ही तो चाहिए थी, 20 मांग रहा है, 30 मांग रहा है, हाँ 20 मांग रहा है। अब मुझे चाहिए एक बुक, तो गाइस फटाफट से मैं एक बुक भी बनाता हूँ। तो चाचा कहाँ खड़ा हो गया, तू इधर आजा, हट जा वहाँ से। ऑलराइट गाइस मैंने अपने लिए एक बुक भी बना दी है, और मेरे पास थोड़ी बहुत जो लकड़ियाँ बची हैं इसको मैं बेच दूंगा। हाँ भाई इधर लौंडे मेंडिंग दे दे मुझे। हैं मेंडिंग। अब मेरे को एक यार एनविल भी बनाना पड़ेगा, पहले एनविल से पहले ना मैं इसमें चेक करता हूँ मेरे को अच्छी सी कोई ट्रेड दे रहा है। तो पहले मैं एनविल के लिए, मेरे पास आयरन इधर अंदर पड़ा होगा मेरे पास, अरे यहाँ नहीं होगा तो मैं लेके आ जाऊंगा। अरे ये रहा आयरन, तो चेस्ट कहाँ गई, ये रहा। ऑलराइट दोस्तों मैंने यहाँ पे एनविल भी बना लिया है, जिसमें अब मैं अपनी यहाँ पे कहाँ गई मेरी पिकैक्स, इसमें पिकैक्स लगा सकता हूँ आराम से, ताकि इसमें रिपेयर हो सकते हैं। बट अभी रिपेयर नहीं करना है, अभी तो मेरे को चाहिए वाली रिपेयरिंग वाली बुक, तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ फिलहाल के लिए। और अपने जो मैं यहाँ से लेदर और खाना लेके आया हूँ उसको मैं फिर यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि मैं आगे जाके मेरे को यूज़ में आ सके। अब देखते हैं, ये है मेरे पास लेवल अभी 34 की है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी एक्सपी बर्बाद करता हूँ, बर्बाद करनी पड़ेगी जब तक ये थोड़ी अच्छी एंचेंटमेंट ना दे। तो मैं क्या करता हूँ अपनी इस तलवार पे थोड़ी सी एंचेंटमेंट लेता हूँ। तो क्या दे रहा है इसमें, ओके इसमें ये दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, फॉर्चून 2 दे रहा है यार मुझे, लेकिन फॉर्चून 3 चाहिए। और इसमें भी फॉर इफेक्सिव, और इसमें 2 दे रहा है, इसमें 1 दे रहा है, ओके। तो एक बार मुझे एंचेंटमेंट, लेकिन रुक जाओ छोटी वाली एंचेंटमेंट करूँ, इसमें 3 एक्सपी जाएंगी, और इसको डिसएंचेंट करना पड़ेगा मुझे। अरे यार डिसएंचेंट वाला तो भी बनाना पड़ेगा मुझे, वो भी बनाते हैं फटाफट, उसके लिए मुझे स्टोन चाहिए। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा, ये कहाँ गया है, डिसएंचेंट करने के लिए मटेरियल यहाँ पे, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और इसमें करा मैंने, लो आ जा भाई अब तो दे दे, अनब्रेकिंग दे रहा है। चलो गाइस लेके देखें, अनब्रेकिंग 3 मिल रही है तो ठीक है, बट अगर मेरे को इसमें फॉर्चून इफेक्टिव एफिशिएंसी मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके तो गाइस मैंने इसमें कर दी अपनी एंचेंटमेंट, तो देखते हैं क्या मिलता है इसमें। ऑलराइट ओहो अनब्रेकिंग 2 और 3 और एफिशिएंसी 4, शिट ये नहीं चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं एक एचपी एक बार और ट्राई करेंगे। मेरे को फॉर्चून 3 मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया था ना। एक का और ये ले भाई, फॉर्चून 3 दे दे, कम ऑन लेट्स गो, अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4, शिट फॉर्चून नहीं दे रहा यार, फॉर्चून चाहिए था मेरे को। अब मेरे पे लेवल 27 हो चुके हैं, एक बार एंचेंटमेंट डिसएंचेंटमेंट फिर करके देखता हूँ, वरना क्या करूंगा मैं। दे दे फॉर्चून दे दे यार, ओहो फिर से इसने दिया। चलो कोई बात नहीं गाइस, इसमें एक काम करता हूँ फिलहाल, तो मेरे को अभी इसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए तो मेरे को एक बनाना पड़ेगा अपने लिए, वो क्या बोलते हैं हमें, इसको मैं फिलहाल यहाँ रख देता हूँ, और इस बुक को भी यहाँ रख देता हूँ, थोड़ी सी लेवल और बढ़ाते हैं, तो उसके लिए मेरे को बनाना पड़ेगा एक एक्सपी फार्म। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ रख देता हूँ। एक्सपी फार्म बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़े बहुत स्टोन, मुझे चाहिए थोड़ा आयरन, आयरन मेरे पास बहुत सारा है, और बाकी जो सामान मुझे नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और एक अपडेट और थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिलहाल तो मैं इसको सबको यहाँ रखने वाला हूँ। ये सब अभी यहाँ पे काम करनी है, लकड़ियाँ भी मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए ज़्यादा, तो ये सब यहाँ रख देता हूँ, इनको भी यहीं रख देते हैं। अरे लकड़ियाँ ज़्यादा बहुत हैं यार मेरे पास, इतना मैं ले चलता हूँ सामान। और हाँ एक आयरन मेरे को चाहिए, तो मेरे को एक बाल्टी भी चाहिए दोबारा से, वाटर बकेट बना लेता हूँ एक, जिससे मेरे को, अरे ये रहा ना आयरन, आ जा भाई। वाटर बकेट आ गई और एक पानी, और यहाँ से चलते हैं गाइस। अब दूसरी एक नई बेहतरीन सी अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अरे नाव तो यहाँ पे है मेरे पास, तो पानी ले लेता हूँ यहाँ से पहले, तो फिलहाल पानी आ गया, टॉर्च नहीं मेरे पास, ले भाई टॉर्च आ जा तू भी। तो अब चलते हैं गाइस अपने आइलैंड पे, जहाँ पे हमें बनाना है अपना एक एक्सपी फार्म, ताकि मेरे को काफ़ी सारी एक्सपी मिलती रहे, और अब की और तो वहाँ पे इतनी सारी एक्सपी लेके आ जाऊँगा, ताकि कम से कम 50-60 एक्सपी कर दूंगा काफ़ी। अगर डिसएंटेंजमेंट करनी पड़ेगी मुझे बार बार, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आपको देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने तो यहाँ थोड़ा बहुत जो चेंजेस किया है, तो पहले तो मेरी आ गई यहाँ पे नाव, नाव पर मैंने देख रहा हूँ कितने सारे लैंटर्न लगा दिए, अब अंधेरे में भी नाव मेरी चमकती है, अगर आपको यहाँ पर लैंटर्न दिख रहा है तो, पूरी नाव पर मैंने लैंटर्न लगा दिए। और दूसरा मैंने यहाँ पे इस टापू पे भी 2-3 टॉर्च लगा दिए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं यहाँ से आ सकता हूँ, तो यहाँ पे है वो टापू और वहाँ पे जाना मैं। तो फाइस फटाफट चलते हैं उस दूसरी वाले टापू पे, जहाँ पे आप लोगों को मेरे को मस्त चीज दिखानी है। ऑलराइट ओ शिट मैं तो बैठ नहीं लाया, कोई बात नहीं बैठ तो मुझे अपने यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑलराइट गाइस यहाँ से चलते हैं फटाफट से, और अभी अगर कोई मॉब वॉब ना मिले तो अच्छी बात। देखो यहाँ पे मैंने रास्ता बना रखा है, इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाना हमें। ओह एंडरमैन हाय,
तुझे नहीं देख रहा मैं, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ से पहाड़ पे चढ़ने का मेरे को बहुत टाइम लगता था, उतरना चढ़ना बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाता था, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे एक मस्त सा रास्ता बनाया है। और रास्ते के साथ साथ यहाँ पे दिखाता हूँ अभी आपको मैंने क्या बनाया है। आ जाओ, पहुंच गए हम, और टॉर्च में अपने हाथ में ले लेता हूँ। आ जाओ भाई, इन गेट को खोलेंगे ऐसे, तो ये देखो रेलवे सिस्टम बनाया मैंने। यहाँ से उठाऊंगा रेल कार्ट और यहाँ पे रख देंगे। चलो भाई, रेलगाड़ी चुक चुक चुक, ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी रेल बनाई है मैंने। ओहो, बेहतरीन रेल, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। और यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे। चलो भाई उतरो, मैं यहाँ से उतरूंगा और मैं इस रेल कार्ट को अभी फिलहाल यहीं रहने देता हूँ ताकि मेरे को जाने में मदद करे। अब यहाँ पे मैंने ये दो सिस्टम बनाया है, ऊपर से जल्दी आने के लिए और नीचे जाने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं फटाफट से अपने आइलैंड पे, जहाँ पे हमने बना रखा अपने लिए छोटा सा घर। शो, ये फाइनली आ चुके हैं। और गाइस, यहाँ पे हमारा सूरज डूब रहा है। ऑलराइट दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं अपने सोने के लिए, क्योंकि मैंने देखो अभी यहाँ पे भी कुछ काम नहीं किया, खाली अपना बैड ही लगा रखा है। तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। और मेरे को दो अचीवमेंट और मिल चुकी है, डीलिंग वाली और एंचेंटमेंट वाली। चलो सही है, वो तो हो जा रहेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पर, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा हाँ ठीक है प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। और बैड भी लेके चलता हूँ अपने साथ वहीं, ताकि अगर मैं कुछ अनहोनी हो जाए तो वहां से मैं बच के आ जाऊँ। अब आ गया है हमारा वक्त एक्सिस फार्म बनाने का। ऑलराइट चलो, अरे मेरे पे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, मेरे को एक यहाँ पे पड़ी है, मैं उसको ले लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल लाना भूल गया। तो ऑलराइट दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे। कहाँ है वो बकरियों की आवाज़ आ रही है, आपको दिख रही है? लेकिन यार यहाँ पे मकड़ियाँ स्पॉन हो चुकी हैं, तो मैं अपने पास ये रख, अरे टॉर्च भी तो चाहिए, तभी मैं बोलूँ, कुछ तो मैं बोल रहा हूँ टॉर्च चाहिए मुझे, टॉर्च, ताकि मैं, अरे यार मैं खाना भी नहीं लेके आया, शिट, मुझे लग रहा मुझे एक चक्कर और मारना पड़ेगा, उतना सारा खाना था मेरे को, उसको पका लेना चाहिए था। कोई बात नहीं गाइस, फटाफट से पहले अगर मैं यहाँ पे मकड़ियाँ स्पॉन नहीं होती हैं तो मैं अपने लिए टॉर्च बना लेता हूँ। वूल भी नहीं है यार मेरे पास, वूल भी नहीं है मेरे पास, शिट। तो गाइस फटाफट से मैं टॉर्च वॉर्च बनाता हूँ और उसके लिए जुगाड़ करते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा, कोल तो मुझे पता कहाँ मिलेगा। अभी जाता हूँ फटाफट से, टॉर्च बना के लाता हूँ काफी सारी, और साथ के साथ अपने लिए खाना भी बना के ले आऊंगा। चल भाई, नैन तेरे दिल दूंगा दिल मेरा। ऑलराइट गाइस, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। देखो मैंने अपने लिए यहाँ पे खाना भी बना लिया काफी सारा मैंने, और यहाँ पे ब्रेड भी ले लिया, काफी सारी चीजें ले ली। और वो देखो मेरा वहाँ पे, वो देख रहे हो वो एफ के पॉइंट है उतना ऊपर। तो चलो गाइस अब चलते हैं। फिलहाल तो मेरे पास सारी चीजें हो चुकी हैं, टॉर्च भी मैंने बना के रख लिए हैं। हाँ, 9 टॉर्च हो चुकी हैं, चलो बहुत है, 9 टॉर्च तो मिलने काफी होंगी। तो गाइस फटाफट से मैं चलता हूँ एक्सपी फार्म पे अपने, मतलब अभी है नहीं पर बनाने वाला हूँ जो एक्सपी फार्म, वहाँ पे चलते हैं। तो फटाफट से मैं आप लोगों को मिलता हूँ सीधा अपने पहाड़ पे। तो ऑलराइट गाइस, मैं पहुंच चुका अपने स्नो वैली हाउस में, और यहाँ पे देखो बर्फ पड़ने लग चुकी है। ओ हो, ठंडो रे ठंडो तेरो पाड़े की हवा, ठंडो पाड़ो रे, अरे वाह क्या ही बर्फ गिर रही है। बर्फ गिरने के साथ साथ यहाँ पे रात भी होने वाली है। ऑलराइट, तो फटाफट से मैं अपना यहाँ रिसेट पॉइंट सेट करता हूँ, और अब वक्त है इन बकरियों को यहाँ से बचाने का, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी बकरियां फंसी हुई थी जब मैं यहाँ पे आगे देखा था मैंने। तो ऑलराइट, मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ यहाँ पे टॉर्च और यहाँ पे तलवार। अब यहाँ से इनको निकालना है बाहर, है ना, तो इनके लिए मैं रास्ता बनाऊंगा पहले, बाद में, पहले मैं अंदर चलता हूँ। और वो जो स्पाइडर है वो स्पॉन हो गई होगी, ओ शिट, अभी यहाँ पे लगानी टॉर्च हमें। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा नूबड़े ले, चिल्ला गई बकरी। ओके कमॉन, 2 लग चुकी हैं, 3 और 4, एक ऊपर लगा दो, यही। ऑलराइट गाइस, मैंने सारी बकरियों को यहाँ बचा दिया, अब इनको यहाँ से बाहर निकालना है। आ जाओ, अभी निकालता हूँ दोस्तों तुम्हें, रुको ये रहा रास्ता बनाते हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ रुको, हट जाओ यहाँ से, काम करने दो थोड़ा सा। ऑलराइट, अरे अरे रुक जा, निकाल रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ से, के तो यहाँ से चलो ऊपर, आ जाओ, तुम यहाँ कैद हो रखी थी ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें अभी यहाँ से निकालते हैं। ओहो कितनी तेज चिल्ला रही है, हट जाओ भाई हट जा। ओके तो यहाँ से रास्ता बन चुका है, यहाँ पे भी बना देते हैं रास्ता, और आ गए, आ जाओगे, ओ ये सारे के सारे बाहर आ गए। तो ऑलराइट गाइस, सारी बकरियों को मैंने यहाँ से पार निकाल दिया। आओ आओ आ जाओ, एक एक करके आते रहो, लेट्स गो, चलो चलो आ जाओ, अरे चलते क्यों नहीं हो, चलो भाई चलो, रास्ता बन गया ऊपर, चल। तो गाइस ये तो अपने आप निकल जाएंगे बाद में, क्योंकि मेरे को यहाँ से रास्ता बंद भी तो करना है। ऑलराइट, हाँ मैंने चेस्ट भी नहीं लूटी। ओके तो आयरन, ओ म्यूजिक डिक्स, थोड़ा गोल्ड, ओ गोल्ड बोला, आयरन, ओ बाल्टी, ओहो शेडल एक और मिल गया, क्या बात है। तो चलो इनको अभी यहीं रहने देते हैं चेस्टों को, अरे हाँ चेस्ट भी तो चाहिए थी मुझे, चलो कोई बात नहीं, 2 चेस्ट तो मुझे मिली गई ऑलरेडी, तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अब वक्त अपना एक्सिस फार्म बनाने का। चलो भाई तुम दोनों भी बाहर चलो फटाफट, मुझे ये रास्ता बंद करना है यहाँ से, चलो आ जा। क्या इनके ऊपर शेडल लगती है क्या, चेक करूं, नहीं इनके ऊपर कुछ नहीं लगता, अरे चलो निकलो यहाँ से जल्दी। ओके चलो चलो जाओ जाओ। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे कमरा कर दिया बंद, तो अपने लिए भी जाने के लिए रास्ता बनाऊं क्या,
चलो वो तो मैं बाद में बना लूंगा, फिलहाल मुझे बनाना है अपने एक्सपी फार्म। तो मुझे यहाँ पे ये रही हमारी टॉर्च, तो मैं इनको भी गायब कर लेता हूँ यहाँ से। सारा सामान आ जाओ चेस्ट, ओके, और यहाँ से भी सारा सामान आ गए। तो ऑल राइट, यहाँ पे सारा सामान मैंने ले लिया है। अब मुझे ये रही हमारी क्या कहते हैं इसको, 1, 2, 3 लेवल नीचे चलते हैं। 3 लेवल बहुत होना चाहिए काफी। ओह यहाँ पे एक गुफा भी है। 3 लेवल मेरे ख्याल से काफी होना चाहिए फिलहाल, जहां तक मुझे लग रहा है। ओके तो यहाँ पे चलते हैं फटाफट से। ऑलराइट गाइस, फटाफट से मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे तोड़ता हूँ। ओ यहाँ पे इतनी तोड़ना, ओके तो मैं जरा इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, मैंने इतना एरिया बना दिया, अभी इतने टाइम लगने वाला है सबको तोड़ने में, तो फटाफट से इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से मैं। और उसके बाद अपना जितना बड़ा हम अपना एक्सपी फार्म बनाएंगे बेहतरीन सा, उससे हमें काफी सारी एक्सपी मिलने वाली है। बट मेरे ख्याल से नॉर्मल स्पाइडर है वो, क्या कहते हैं उस क्या बोलते हैं वाली स्पाइडर नहीं है जिसमें जहर होता है। तो कोई बात नहीं, स्पाइडर तो स्पॉन हो ही रही है ना, हमें तो खाली एक्सपी चाहिए, कुछ ना कोई मॉब मारना है हमें खाली। तो इसको फटाफट से मैं यहाँ से गायब ही कर देता हूँ, बस स्पॉनर नहीं तोड़ना है मुझे। ऑलराइट, और यहाँ पे बेहतरीन से म्यूजिक चल रहा है हमारा। ओके तो ये भी होने वाला है, कम ऑन लेट्स गो बेबी, डू इट ये यो। तो ये सारा मैंने यहाँ से तोड़ लिया फिलहाल, और इसको भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ओके स्पाइडर स्पॉन होंगी, पानी यहाँ से आएगा, तो ये 8x8 का होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ ही हैं ये तो। चलो कोई बात नहीं, साथ हैं तो पानी तो आएगा ही। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, 2 लेयर आगे चलते हैं इधर से। 1, 2 क्या बात है, यहाँ तो आयरन भी मिल रहा हमें। ओके तो यहाँ पे हो गया, और इधर से चाहिए 9x9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। ओए ऊपर से रोशनी आ गई, रखो बंद करो। और ऊपर तोड़ना ही क्यों है, छोड़ो ना, रहने देते हैं। तो राइट गाइस, अब वक्त है यहाँ पे पानी डालने का। ओए टॉर्च, अरे यार अभी गलत हो गया था सीन। ओहो एक और लेयर तोड़नी पड़ेगी, तभी बोलूं अनलिमिटेड वाटर सोर्स क्यों नहीं बन रहा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इधर की साइड में एक छेद और करना पड़ेगा, और यहाँ पे डालना पड़ेगा पानी। ऑल राइट ये बन चुका अनलिमिटेड। अबे यार टॉर्च क्यों लग रही है बार। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे बन चुका हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पे कितने लेयर हैं, 1, और इसको और तोड़ता हूँ। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसका भी हमें काम पड़ेगा ना। आ जा भाई, चलो भाई 3 लेयर हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डालना है पानी। ओके तो मैं क्या करूँगा, एक स्टोन ले लूंगा यहाँ पे, एक स्टोन यहाँ पे ले लूंगा, इसके ऊपर डाल दूंगा पानी ऐसे, और इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे पानी यहाँ पे ऐसे। ओए ये पानी इसके ऊपर गिरा, आ जा। ऑल राइट ये यहाँ पे बन गया वाटर सोर्स, फ्लो एकदम बेहतरीन। अब यहाँ से जो भी हमारी क्या बोलते हैं उसको, स्पाइडर स्पॉन होगी वो ऐसे आएगी। चलो चलो आ जाओ, आओ 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 आओ। यहाँ पे आते हुए कि यहाँ पे फ्लो अभी पूरा अच्छे से नहीं बना है, ये मैं आ रहा हूँ यहाँ तक। ओके मैं यहाँ तक आ जा रहा हूँ, तो मैं फटाफट से यहाँ से पानी अपना उठा लेता हूँ और इसे बंद कर देते हैं। तो ओके यहाँ तक ये स्पाइडर आ जाएंगी। अब इन थोड़ा सा और काम करना है, थोड़ा और अंदर चलना पड़ेगा हमें, थोड़ा और अंदर चलते हैं। फिर हमें चाहिए एक चेस्ट, हॉपर भी चाहिए। हॉपर तो मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास आयरन तो बहुत है, टेंशन नहीं है, हॉपर बन जाएंगे। तो अब मुझे चाहिए अपनी क्राफ्टिंग टेबल, आ जाओ भाई क्राफ्टिंग टेबल। अब मुझे चाहिए हॉपर, तो चेस्ट है मेरे पास 2 फिलहाल, तो हॉपर मेरा आ गए मेरे पास 2 हॉपर। मेरे को चेस्ट भी चाहिए, तो चेस्ट भी बना लेता हूँ। मेरे को वैसे फिलहाल तो 3 हॉपर चाहिए, तो एक हॉपर की चेस्ट हो गई, 1, 2, 3 तीन चेस्ट हो गई। तो एक हॉपर और बना लेता हूँ मैं फटाफट। हॉपर कहाँ गया। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे लगाते हैं फटाफट से अपनी चेस्ट, और उसके बाद मुझे चाहिए 3 हॉपर। हॉपर मैं इसके पीछे लगा देता हूँ, तीनों के पीछे, 1, 2, 3। अब मुझे चाहिए स्लैब, और यहाँ पे चाहिए मुझे स्टोन के वॉल, तो वॉल में लगा दूंगा इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके, और स्टोन के इसको यहाँ रख दूंगा। तो मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा थोड़ा सा साइड से आने जाने के लिए 5 मिनट के लिए, ये बाद में मैं कवर कर दूंगा। ओके इधर आ जा भाई। ओ आयरन, आयरन की तो जरूरत नहीं, फिर भी मैं माइन कर लेता हूँ, मुझे मिल रहा है तो मैं लेने में कोई नानकानी नहीं करूंगा। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे काम। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सब कुछ सेट है, और अब हमें इसको ढक देना है। ढकने के बाद हमें चाहिए यहाँ पे जो टॉर्च हमने लगाई है उसको हटाना। ओके तो यहाँ पे ये हो गया, अब हमें चाहिए पानी। तो ऑलराइट गाइस, अब वक्त है यहाँ पे पानी डालने का। देखो वाटर का सोर्स तो फिलहाल यहाँ पे बन चुका है, तो पानी मैं यहाँ डालूंगा ताकि यहाँ पे, अरे गलत जगह चला गया पानी, यहाँ पे डालूं के यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डालना है, तो सारा का पानी का जो सोर्स है हमारा इधर आए, तो इधर डाल दिया मैंने। यहाँ पे बन चुका है हमारा पानी का सोर्स, ये वाला गलत डल रहा है शायद, यहाँ डालते हैं। ओके तो ये बन चुका है यहाँ पे।
अब जो भी मकड़ियां आएंगी हमारी यहाँ पे आएंगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कवर कर देता हूँ ऐसे करके। ओके मकड़ियां स्पॉन हो रही हैं क्या? अरे अभी थोड़ी होना तुम्हें स्पॉन, आ जाओ यहाँ पे। आ चुकी है मकड़ी। अब यहाँ पे मुझे जो है और क्या चाहिए, पानी ले लेता हूँ वापिस अपना, एक दो। अरे ऑलराइट गाइस, पानी मैंने अपना वापिस ले लिया है। यहाँ पे इसको भी कर दो बंद। नहीं इसको नहीं करना बंद, इसके लिए तो हमें चाहिए यहाँ पे। ये इसको रख देते हैं, इसको खोल देते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया, मुझे खाली ट्रैप डोर लगाने हैं और फाइनली मेरा जो है एक्सपी फार्म बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं टॉर्च से मारूँ, टॉर्च भी चाहिए मुझे, तो एक टॉर्च में यहाँ लगा देता हूँ। अभी आयरन मेरे पास यहाँ पे है काफी सारा, तो मुझे जो है वहाँ पे जाके टॉर्च तोड़ के आनी है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ यहाँ से, अपनी रास्ता बना के यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से जाके मैं सारी टॉर्च तोड़ के आता हूँ। ऑलराइट चलो, बट यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ पे पानी होगा, तो एक लेयर आगे तोड़ते हैं, यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलो, तीन लेयर से कम होंगी और यहाँ पे मुझे दिख जाना चाहिए। ओके तो यहाँ पानी आ गया, तो मुझे यहाँ पे पत्थर लगाना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर चलना पड़ेगा यहाँ से। ओके ऐसे करके, कम ऑन। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर कुछ मैं फेंकूँ, सपोज मैंने ये फेंका, ये आया वहाँ चला जाएगा और वो यहाँ पे पत्थर हटाना पड़ेगा। मकड़ी यहाँ से अंदर कैसे आएंगी? ओके तो यहाँ पे आ गए हम और ये हटा देंगे पत्थर और यहाँ से आएंगी मकड़ियाँ, मकड़ियाँ इसके अंदर जाएंगी। अब बटानी ये जाएंगी नहीं जाएंगी देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए इन लोगों को, या तो मैंने पानी गलत लगाया है कुछ सीन हुआ, देखना पड़ेगा वो। तो देखते हैं गाइस, फाइनली ये हो चुका है, यहाँ पे पानी का फ्लो हो चुका है सही। अब मुझे खाली टॉर्च तोड़नी है, एक ये दो ये तीन टॉर्च टूट चुकी हैं। अब मुझे जाना है उधर। ऑलराइट यहाँ पे भी अटक रहा है, अभी भी यहाँ पे अटक रही हैं, तो देखेंगे अभी इसको देखेंगे फिलहाल। ऑलराइट गाइस, मैंने उधर की दोनों टॉर्च तोड़ दी और यहाँ की भी। ओह शिट, अरे रे रे, सारी टॉर्च तोड़ते ही देखो दो स्पाइडर आ चुकी हैं। अब दिक्कत ये है कि ये यहाँ पे से इसके अंदर जा रही हैं, मेरे ख्याल से तो शायद नहीं जाएंगी, मैंने कुछ गलत बना दिया है, अभी देखते हैं। ओके यहाँ पे गई है। ऑलराइट ओके तो फटाफट से चेक किया जाए और थोड़ा सा एएफके होना पड़ेगा हमें। चलो भाई बेहतरीन काम हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आइए, तो यहाँ तक तो आ रही है स्पाइडर और इसके आगे नहीं आ रही है, मैं चेक करूँ वहां तक मेरी तलवार जाएगी, नहीं जा रही। बोला था ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, स्पाइडर को यहाँ पे आना था बट वो यहाँ पे नहीं आ पहुंची है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ वॉल, ओहो भेड़ तो चिल्ला रही है खतरनाक वाला। के यहाँ पे, चलो यहाँ पे ऐसा ही बन गया अब तो। आओ भाई आ जाओ यार, इधर आ जाओ आगे अंदर। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि वो वहाँ पे अटक रही है। ये देखो ये देखो वहीं मर गई। छोड़ो जो भी गड़बड़ हुई है उसको देखते हैं फटाफट से, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मर जा, मर गई सारी। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे दोबारा से वहाँ पे जो है टॉर्च लगा दी है, पानी को बंद कर दिया गया है यहाँ पे फाइनली थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं गड़बड़ हुई कहाँ पे है मेरे से। ओके तो यहाँ पे जो है पानी को मुझे हटाना पड़ेगा दोबारा से, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ और ये भी हटाओ, हटो हटो भाई हटो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्लो नहीं बन रहा है पानी का, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे तो पहले तो स्टोन चाहिए, लगा दिया मैंने यहाँ पे। ऑलराइट अगर गैप बनाना पड़ेगा तो मुझे बनाना ही पड़ेगा गैप, तो ये काम करते हैं फटाफट से। पहले इधर आता हूँ, सारा सामान यहाँ से ले लेता हूँ। ऑलराइट यहाँ पे पानी तो मैंने सही डाला, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है मकड़ी। ऑलराइट गाइस, फाइनली मेरा एक्सपी फार्म बन तो गया, लेकिन ये थोड़ा उससे जैसे बनाना चाहता था वैसे नहीं बना, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे आके इन स्पाइडर को ऐसे मार रहा हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पे आके, मैं चाहता था कि यहाँ पे ऐसे मारूं पर यहाँ पे आ नहीं रही, खुद वहीं पे फंस जाके मर रही है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसलिए मर नहीं रही है, तो मैं इसलिए इनको यहाँ पे आके मारने पे लगा हुआ हूँ। तो काफी एक्सपी मेरे पास फाइनली हो चुकी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ी और एक्सपी कलेक्ट कर लूँ, तो मेरे पास एक पिकैक्स और बनानी पड़ेगी। रुक जाओ अभी बनाता हूँ, तो स्टिक बनानी पड़ेगी थोड़ी सी और एक पिकैक्स। तो आयरन मेरे यहाँ रखा हुआ है, नो आयरन बचे, सारे आयरन खत्म हो गए मेरे जितने सारे लाया था, तो कोई बात नहीं, लास्ट हमें अब बस डायमंड ढूंढने जाना ही है हमें, बस थोड़ी सी एक्सपी और चाहिए, यहाँ से इसको हटाने था। आ जाओ जल्दी आ जाओ, स्पॉन हो जाओ फटाफट, इसको हटाऊंगा तो पानी इधर आ जाएगा। हटाऊं, ये आ गया पानी। ओके हटाओ इधर आओ, चलो चलो जल्दी स्पॉन हो यार, बहुत सारा काम करना है अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले आ जा चटे। तो गाइस फटाफट से मैं और एक्सपी कलेक्ट करता हूँ इन लोगों को मार के यहाँ से, फिर चलते हैं हम अपने डायमंड को माइनिंग करने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते रहो आते रहो। सोच रहा हूँ थोड़ी 35-40 एक्सपी कलेक्ट कर लूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को। आ जाओ, एक तो ये जल्दी आ भी नहीं रही है, दूसरा ऊपर से ये यहाँ पे नहीं आ रही जहाँ पे मैं चाहता हूँ आने के लिए, बार बार मेरे को यहाँ पे आना पड़ रहा है। आ जाओ कम ऑन आओ। ऑलराइट गाइस, मैं वहां से आ चुका हूँ अब बाहर, अब मेरे को 32 एक्सपी हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ अब जाके थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट करके डायमंड माइनिंग की भी तो जाना, बहुत देर हो गई वहाँ पे उसको बनाते बनाते, मैं काफ़ी परेशान हो गया, बहुत बार तोड़ा बहुत बार बनाया फिर भी वो बना ही नहीं सही से। तो फिर मैंने सोचा चलो इतना एक्सपी मिली गई तो बहुत है, चलते हैं यहाँ से घर। तो ऑलराइट अब यहाँ से फटाफट चलते हैं, अपनी डायमंड की पिकैक्स एन्चेंट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं उसमें कौन सी अच्छी सी मेरे को मिलती है।
तो मेरे ख्याल से फॉर्चून मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। अरे यार मैं उसको लाया नहीं, उसको रिपेयर भी तो करना था। चलो वो तो जब मैं डायमंड माइनिंग के लिए जाऊंगा तब रिपेयर कर लूंगा उसको, टेंशन नहीं है उसकी। और मेरे गोलोमो क्या हाल है? अरे तेरी तो तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। ले ओए अबे आयरन दे रहा हूँ तुझे। अरे यार ये तो मारेगा। चलो कोई बात नहीं आ जा। ये सॉरी दोस्त, मैं तो तुझे आयरन दे रहा था पर तू ये है कि मारना चाहता है। ओए व्हाट अ शिट हो रहा है, भाग लो भाई। कितने डगंदा डैमेज दे दिया इसने। आ जा इधर, आ जा आ जा आ जा आ जा। मैं तो तेरी मदद कर रहा था लेकिन तू ये है कि मानता नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तुझे आयरन खिला रहा था मैं, तुझे पावरफुल बना रहा था मैं। नहीं मारना है तुझे तो आ जा ले। मैं ही क्या कर सकता हूँ, तुझे मैं आयरन दे रहा था भाई। सारे हार्ट खा गया मेरे। चलो थोड़े वो हेल्थ बढ़ गई, इसको आयरन खिला देते हैं थोड़ा सा, तेरे को जरूरत नहीं। चल ठीक है। तो हमें थे यहाँ पे एक्सपी, मेरी डायमंड की पिकैक्स, इधर आ जा। इसको हमें करना है डिसेंटेंट, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और लैपिस कहाँ है मेरा लैपिस? चलो तो खत्म हो गया होगा, आ जाओ। तो चलो दोस्तों इसको फिर से एंचेंटमेंट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा लैपिस ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको करेंगे यहाँ पे हटाएंगे। मुझे चाहिए फॉर्चून, फॉर्चून मिल जा सील टच। अरे खाली सील टच ही देगा। तो गाइस इसने तो मुझे वाली एक्सपी नहीं दी जो मुझे चाहिए थी। और ये फार कितना हल्ला हो रहा है, शिट। चलो छोड़ो, तो इसने वो तो दिया नहीं, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है फिर से जाना पड़ेगा एक आधा घंटा फिर वहाँ पे एफ के रह के थोड़ी और एक्सपी बढ़ा के आता हूँ, फिर आते हैं दोबारा। इन सबको मैं भी यहीं छोड़ देता हूँ। ऑलराइट गाइस, काफी देर की मेहनत के बाद मैं फाइनली लेवल 40 की एक्सपी करके आ चुका हूँ। अब की बार तो मेरे को एंचेंटमेंट मिल जानी चाहिए तक, बेहतरीन बेहतरीन वाली। प्लीज यार दे देना मेरे को एंचेंटमेंट, एंचेंटमेंट टेबल्स। ओके तो यहाँ पे इसको निकालता हूँ और सारा लैपिस ले लेता हूँ। दे दे, एफिशिएंसी 4 दे रहा है। ओके तो मैं इसको लेके देखता हूँ, क्या पता इसमें मिल जाए कुछ। मिल जा फॉर्चून 2। ओके तो अभी मेरे पास थोड़ी एक्सपी और है, एक बार डिसेंचेंट करके देखता हूँ, क्या पता फॉर्चून 3 मिल जाए आपकी बार मेरे को। मिल जा अनब्रेकिंग 3। ओहो एफिशिएंसी 3 मिली, शिट। लास्ट एक बार, अब क्या जो मिल जाएगा ले लेंगे। मिल जा फॉर्चून फॉर्चून फॉर्चून। ऑलराइट गाइस, ये हमेशा हमको फॉर्चून 2 ही दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे कहाँ गई एरी, मेंडिंग भी तो लगानी है हमें। तो फाइनली इसको मैं मेंडिंग में लगा देता हूँ, जो मैं अब रिपेयर भी कर सकता हूँ अपनी पिकैक्स डायमंड की। तो मेरे पास खाना है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास थोड़े से आयरन लेके चलता हूँ अपने साथ, और थोड़े से लकड़ी, ताकि मैं ये, हाँ ये ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, ताकि मैं पिकैक्स बनाता रहूँ। क्योंकि अभी मेरे को डायमंड की जो है इसको अभी रिपेयर भी तो करना है, थोड़ी बहुत जो एक्सपी मिलती रहेंगी उसे रिपेयर करता रहूँगा। और कहाँ गया मेरे घोड़े, चलो आ जाओ दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट, और चलते हैं फटाफट वहाँ पे जहाँ पे हमने अपना पोर्टल बनाया था, क्योंकि हमें वहीं पे एक्सपी वो मिलेगा हमारा जो है लेवल 59 की, जो हमने माइनिंग करी थी पिछले एपिसोड में वो डायमंड खोजने के लिए। तो वहीं पे चलते हैं फटाफट से। तो मेरे को यहाँ से निकलना है फटाफट, और मैं अपने लिए बैट भी नहीं लेके आया। चलो कोई बात नहीं, बैट की तो मुझे जरूरत ही नहीं है अभी, तो बहुत टाइम और का है। तो गाइस फटाफट से मैं पहुंचता हूँ अपने लेवल 59 पे। तो ऑलराइट गाइस, मैं पहुंच चुका अपने पोर्टल के पास, और यहाँ पे मेरा बैट पहले से ही है, कोई बात नहीं। ओके तो घोड़े तू इधर आ जा, और तू इधर आ जा, ठीक है। तू टॉर्च में रही हो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिसेट पॉइंट लगा देता हूँ। इस चेस्ट के अंदर कुछ है क्या? चलो कुछ नहीं है। तो ऑलराइट गाइस, अब मैं फटाफट से, मुझे नीचे भी तो जाना है, भी बहुत टाइम लगने वाला नीचे जाने में। तो फटाफट से मैं चलता हूँ नीचे, और उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा माइनिंग पे। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ लेवल 59 पे, और ये है मेरी पिकैक्स जो है मेरी डायमंड की, जिसमें फॉर्चून लगा हुआ है, मेंडिंग भी लगा है, इसको मैं रिपेयर करूंगा। पर पहले, अरे क्राफ्टिंग टेबल, अरे यार चलो कोई बात नहीं, लकड़ी तो है ना मेरे पास, क्राफ्टिंग टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी, क्राफ्टिंग टेबल चाहिए मुझे। तो इधर को मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनिंग करी हुई है पहले से। तो मैं चलता हूँ अपने लिए इधर की तरफ को, यहाँ से चलते हैं माइनिंग के लिए डायमंड की। अब देखते हैं कितने देर में हमें कितने डायमंड लगेंगे माइन करने में। मेरे को सिर्फ डायमंड का अपना आर्मर बनाना है, तो सिर्फ इतना ही डायमंड में माइन करने वाला हूँ। तो देखते हैं फाइलिंग गाइस हमें कितना समय लगने वाला है। और जो है फॉर्चून से तोड़ूंगा मैं, और जो मुझे कुछ अच्छी सी चीज़ मिलेगी, जैसे रेडस्टोन वगैरह मिलता है उससे एक्सपी मिलती है, कोल मिलता है तो उससे एक्सपी मिलती है, तो उससे मैं जो है अपने डायमंड की पिकैक्स को रिपेयर भी कर लूंगा। ऑलराइट दोस्तों, फाइनली मुझे डायमंड मिल चुके हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे कितने सारे डायमंड मिलेंगे मेरे को। अभी मेरे पास फिलहाल कोई भी डायमंड नहीं है, और काफी देर से डायमंड माइन करने के बाद इतना सारा डायमंड, ओहो दो दो डायमंड। ऑलराइट, मैंने तोड़ा डायमंड, ओ बेटे एक साथ 3। अब मेरे को चाहिए 24 डायमंड ताकि मैं अपना आर्मर बना सकूं। ऑलराइट कितने आ गए, 4 आ गए। तो इसको मेरे को यहाँ रख लेना सही चाहिए। तो गाइस अभी मैंने सिर्फ 2 डायमंड तोड़े कि 3 डायमंड, 2 डायमंड तोड़े, अभी 3 यहाँ पे और दिख रहे हैं, तो 4 हो गए। ऑलराइट 6 हो गए, 1 आया, और 8 डायमंड हो चुके हैं। फाइनली गाइस मेरे पास 8 हो चुके हैं, मेरे को चाहिए 24 डायमंड, तो 8 हो चुके हैं मेरे पास। और साथ के साथ में आप डायमंड की पिकैक्स से जो है माइनिंग शुरू कर दी मैंने, क्योंकि अब जो है रिपेयरिंग के लिए सामान मिल रहा है मेरे को, तो थोड़ी बहुत रिपेयर भी करते जा रहा हूँ, और फटाफट से इसको क्या कहते हैं माइन भी हो रही है। तो जब रिपेयरिंग का सामान आता है तो मैं रिपेयर कर लेता हूँ, और जब माइनिंग करनी होती है तो मैं माइनिंग, अभी तो फिलहाल थोड़ी बहुत चल जाएगी ये,
तो 8 डायमंड हो चुके हैं मेरे को। ओहो मजा आ गया, थोड़े और डायमंड मिल जाए बस। ओ शिट, यहाँ तो रास्ता बंद हो गया, इधर चलते हैं। तो ऑलराइट गाइस, जब मुझे और डायमंड मिलेंगे तब मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा। आ जाओ चलो। दोस्तों देख लो, डायमंड मिल गए एक मिनट से, क्या बात है, बहुत देर बाद मिले। ओहो यहाँ पे तो मेरे को वो भी मिला है, क्या बोलते हैं, कितने डायमंड है यहाँ पे चेक तो करूँ। 1 2 3 ऊपर लावा की आवाज़ भी आ रही है मुझे। तो मेरे पास दोस्तों अभी हैं 8 10, 2 मिले के फिर से 2 दिख रहे हैं मुझे। ओ 13, ओए क्यों, अरे भाई ये बात, ओ शिट क्या बात है। ओके ओ नो, 8 से सीधा 19 डायमंड और रिपेयर करने का सामान भी मिल गया हमें। तो गाइस थोड़ा से मैं रिपेयर कर लूँ, तो ओ शिट गलत जगह पर ले लिया। तो पिकैक्स रिपेयर देखो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे गया थोड़ा अंधेरा होता है, और ये डायमंड और आयरन की पिकैक्स से मैंने इसको तोड़ा और ये रिपेयर भी हो गई। तो गाइस हमारे पास हो चुके हैं 19 डायमंड, एक आधा और मिल जाए इधर आगे पीछे, तो नहीं इधर, तो चलो इधर ही चलते हैं आगे। चलो चलो लेट्स गो बेबी, हमें और डायमंड चाहिए, चलो चलो। राइट गाइस, फाइनली उस डायमंड को मिलने के बाद जो हमको मिले थे उसके बाद अब जाके मुझे डायमंड मिले हैं, काफी देर हो गई डायमंड माइनिंग करते हुए। तो फाइनली मुझे चाहिए थे 24 डायमंड, 19 डायमंड मेरे पास हो चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं यहाँ पे मेरे को क्या पूरे डायमंड मिल जाएंगे, क्या हमारी डायमंड की तलाश यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्या फिर मेरे को आधा घंटा और लगने वाला डायमंड को माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल तो मुझे 2 3 दिख गए यहाँ पे। ओके 3 और देखते हैं आसपास। ओके 3 फाइनली 3 ही, ओह 3 नहीं 4 है, 5 हैं। ओके तो अगर मैं थोड़ा और माइनिंग करूँ तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं अपने लिए क्या बोलते हैं डायमंड के जो है टूल भी अपग्रेड कर लेता हूँ। तो देखते हैं कितने मिलते हैं गाइस। 1 20 हो गए, 23 हो गए। ओहो ओ बेटे की जान। All right, guys, finally 28 diamond, yes. Okay, तो guys हो चुके हैं हमारे पास finally 28 diamond, जिससे हमारा पूरा जो है diamond का armor बन जाएगा। But जो है हमें diamond के armor के बाद हमें बनाने diamond के tools, तो उसके लिए हमें थोड़े से और diamond चाहिए। तो मैं सोचता हूँ थोड़े से जब इतना दूर आ गया हूँ, तो इतने लंबी वीडियो शूट हो गई 3.5 घंटे की, तो थोड़ा सा और सही, तो थोड़े और डायमंड में माइन कर लेता हूँ और देखते हैं। वैसे मेरे को इस समय बहुत, वैसे मुझे अनले 28, तो कम से कम 10-12 डायमंड और मिल जाते तो मज़ा सा आ जाता, पर छोड़ो कोई बात नहीं। मुझे चाहिए अगर मैं देखूँ तो 33-34 डायमंड चाहिए मुझे जो है टूल वूल अपग्रेड करने के लिए। तो फटाफट से उनको ढूंढते हैं, तो 34 मान लेते हैं। तो मुझे चाहिए 6 डायमंड और चाहिए, बस मुझे 6 डायमंड और, यानी कि एक चैन और ढूंढनी है मुझे ऐसी बड़ी सी जिससे मेरे को सारा डायमंड कवर हो जाए। तो ऑल राइट ओके, तो चलते हैं फटाफट से और तेज फाइट है ना यार, चलो चलो चलो। ये फाइनली गाइस हमारी मेहनत सक्सेस हो चुकी है, मेरे को डायमंड दिख चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पे अभी एक ही डायमंड है, देखते हैं और डायमंड है। वो 2 डायमंड दिख गए फाइनली 2, और देखते हैं। ओके 2 ही दिखे यार यहाँ तो, शिट 1 2, ओहो 33 ऑल राइट। वैसे चेक करता हूँ मुझे कितने चाहिए। ऑल राइट मैं पूरे दोस्तों अभी काउंट करता हूँ कि कितने मुझे चाहिए। तो ऑल राइट गाइस फाइनली मैंने काउंटिंग कर ली, मेरे को जितने चाहिए थे उतने ही डायमंड एग्जैक्ट, एक भी ज़्यादा नहीं ना एक कम, 33 चाहिए। तो पूरे टोटल डायमंड मुझे 33 मिले अपने डायमंड आर्मर के लिए, अपने डायमंड टूल्स के लिए, जितने भी मेरे टूल्स बनेंगे जैसे पिकैक्स एक्स और तलवार वलवार सब, एक पिकैक्स और जितने भी चाहिए सब मिल चुके हैं। तो मैं चेक रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेयर कैसे हो सकती है, थोड़ी बहुत और हो सकती है, तो जरा इसका आसपास खोद के देखता हूँ, अगर मिला तो ठीक वरना फिर हम चलते हैं यहाँ से घर। अभी हमें अपने आर्मर को भी तो बनाना है, तो चलो थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं आसपास, अगर मिलता है तो ठीक है वरना यहाँ से चलते हैं फिर अब सीधा घर। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है शूट। ओहो और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ एक लाइक करना ऐसी वीडियो के लिए। ऑल राइट यहाँ पे तो कुछ मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। ओके ऑल राइट गाइस यहाँ तो कोई डायमंड नहीं है, पूरा मैंने देख रहा हूँ पूरा गड्ढा ही कर मारा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से घर चलते हैं फटाफट से क्योंकि अब हमें अपना डायमंड का शूट बनाना है। तो ऑल राइट गाइस अब आप लोगों को मिलता हूँ सीधा मैं ऊपर, क्योंकि बहुत देर से माइन कर रहा था, पता नहीं कितना लंबा रास्ता मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो ऑल राइट गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ ऊपर और अपने घोड़े के लेके अब यहाँ से चलते हैं अपने घर और बैड बैड, चलो बाकी तो कुछ नहीं चाहिए हमें, चलो भाई लेट्स गो मेरे दोस्त। टुक टुक मेरे घोड़े चलता रहे तू मेरे साथ, तू है मेरा दोस्त। तो ऑल राइट गाइस अब इसको क्या कहते हैं, हाँ तो ऑल राइट गाइस अब इसको जो है
गोल्डन आर्मर की जगह अब डायमंड का आर्मर भी पहनाने वाला हूँ मैं अपने घोड़े को, क्योंकि मेरे पास एक डायमंड का आर्मर भी तो है, उसको रख के रखे क्या करना है, तो फटाफट से इसको भी पहनाएंगे डायमंड का आर्मर और हम भी डायमंड के आर्मर में कमर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, फटाफट से चलते हैं यहाँ से हम घर। और ये क्या है? ओहो घोड़ा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर, ये रहे हमारे घर के पास पेड़। ओहो इतना दिन हो गए इस घर को याद करते हुए। तो फाइनली गाइस ये रहा मेरा छोटा सा घर। ये मेरी छोटी मोटी गाँव जो यहाँ पे घूम रही है अभी, और इनके लिए फार्म भी बनाया है मैंने। तो ऑलराइट गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने घर। और ये दोस्त अब तेरा आराम करने का वक्त आ चुका है, चल रुक जा यहाँ पे। तो ओके मैं इसको यहाँ पे लीड लगा देता हूँ। ये रही मेरी लीड, आ जा दोस्त। ओए तुम चार हो ना बीवी? हाँ ठीक है। तो ऑलराइट गाइस जब तक इन लोगों को मैं नेम टैग नहीं देता तब तक ये लोग यहाँ पे डिस्पॉन नहीं होंगे, क्योंकि इनसे मैंने रस्सी से बांधा हुआ है। बाकी मैं सारे पत्थर वत्थर यहाँ रख देता हूँ। ठीक है तो ये भी सब यहीं रख देते हैं फिलहाल तो अभी। और अब वक्त है हमें डायमंड का यूज करने का। तो ऑलराइट गाइस रुको, पहले मैं अपने यहाँ से वो लेके आता हूँ जो खाली पड़ा हो, ये रहा। तो ऑलराइट गाइस मैं लेके आ चुका हूँ अपने आर्मर का, और इसको मैं अपने क्या कहते हैं आयरन के आर्मर को उतार के मैं रख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। तो मैं इसको सारी चीजें यहाँ ले आता हूँ। और दोस्त तूने हमारा बहुत साथ दिया, अब तू यहाँ टंग जा। और ये मेरी पजामा। तो अब वक्त है हमारा डायमंड का आर्मर बनाने का। सबसे पहले हम बनाएंगे पैंट। ऑलराइट अचीवमेंट मिल चुकी है, मैं पजामा बना देता हूँ इस बंदे को मैं। और उसके बाद हमें चाहिए छाती यानी चेस्ट प्लेट, और यहाँ पे चेस्ट प्लेट को मैं इसको पहना देते हैं ये। अब हमें चाहिए हेलमेट। हेलमेट कहाँ गया हमारा? ये रहा हेलमेट। और उसके बाद हमारे जूते। अब बचे हमारे पास नौ, तो मेरे को चाहिए थोड़ी लकड़ी। लकड़ी है क्या? ये ले लेते हैं। लकड़ी बनाओ, लकड़ी बन जा भाई। ओके लकड़ी आ गई। एक पिकैक्स, और हमें चाहिए एक एक्स। ओके और रह गई तलवार। ऑलराइट गाइस मेरे इसको ये भी, और खुद नहीं पहनना है मुझे, इसको पहनाना है। ऑलराइट और चल भाई। तो ऑलराइट दोस्तों, और इसको सबको ऊपर रख देता हूँ। और सबसे पहले तलवार, फिर पिकैक्स, फिर एक्स, फिर सवल। ओके तो यहाँ पे ये रहेगी। ऑलराइट गाइस मेरा फाइनली डायमंड का आर्मर बन के रेडी हो चुका है, चलो अब इसको पहनते हैं, आ जाओ। तो सारी चीजें उतारो, लगा यहाँ पे, ये भी पहना, ये भी पहन लिया। लो भाई ये डायमंड का आर्मर। ये दोस्तों ये मजा आ गया। ओ मेरी खेती भी उग गई पूरी, थोड़ी बहुत रह गई अभी गुने के लिए, तो उसको भी जब उग जाएगी तब मैं इन सबको काट दूंगा। ऑलराइट गाइस आज की वीडियो के लिए भी हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये डायमंड वाली एपिसोड वाला वीडियो हमें काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने जो है अपना पूरा डायमंड का आर्मर कवर कर लिया है। और अगर गाइस आप चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और हम 4000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा ही क्लोज आने वाले हैं, मतलब 300 सब्सक्राइबर मात्र रह गए होंगे, तो 300 सब्सक्राइबर करा देना तो 4000 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को थम्स अप करना, वीडियो को लाइक करना। और चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियो अमेजिंग वाली पड़ी हुई हैं, जो अगर आप पहली बार आते हो तो उनको भी देखो और इस वीडियो को भी लाइक करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।